तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर काम करना चाहते हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कितना कॉस्टिंग आती है, क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं, किस तरह से आपको रिटेलर बनानी है, कितनी कमाई हो सकती है, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इसके भी ऑनलाइन वाला। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक की अगर डिस्ट्रीब्यूटर आप बनते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ये दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। दो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर काम कर सकते हैं। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सर्विसेज मिलेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में तो कुछ सर्विसेज आपको नहीं मिलते हैं, मर्चेंट आईडी में आपको ट्रांजेक्शन करने की सर्विसेज मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से सिर्फ आप मर्चेंट बना सकते हैं यानी कि रिटेलर बना सकते हैं। जो भी कस्टमर आपके पास आएंगे, जो भी मर्चेंट आपके पास आएंगे बोले मुझे सी एस पी आईडी लेना है, तो आप अपनी आईडी से उनकी ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, आप सी एस पी आईडी प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो आपको मर्चेंट काम करेंगे जैसे अकाउंट ओपनिंग करना है, मनी ट्रांसफर करना है, एपीएस से कैश विड्रॉल करना है, तो उसका कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में मिलेगा। मतलब कि अच्छी खासी कमीशन मिल जाती है, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पर। जितना ज़्यादा आपका मर्चेंट होंगे, जितने ज़्यादा आपके अंदर में रिटेलर होंगे, उतनी ज़्यादा कमीशन यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। प्लस में फ्रेंड्स अगर आप किसी को मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करते हैं यानी कि रिटेलर बनाते हैं तो आप उनसे भी पैसे चार्ज कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बता दें कि फिनो मित्रा जो एप्लीकेशन होती है वहाँ से अगर रिटेलर खुद से आईडी बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर रिटेलर को 2000 लगता है। लेकिन फ्रेंड्स आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हैं। मार्केट में जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूब पर फेसबुक पर लोग एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, कोई 1500 की आईडी सेल कर रहा है, कोई 1000 की कर रहा है, कोई 600 की कर रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में आईडी सेल करेंगे। तो जो भी आपकी कॉस्टिंग होगी, जिस कॉस्ट में आप आईडी सेल करेंगे वो आपको बेनिफिट हो जाएगा। हम पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर और मर्चेंट बनाते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्टेट में रह के आप काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लागत की, कितना पैसे आपको लगने वाले है। तो देखो हमारे पास अभी दो प्लान चल रहे हैं, एक है आपको 7000 की जिसमें आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलेगा, मतलब कि उसमें आपको कोई भी डिवाइस नहीं मिलेंगे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलेगा और आप मर्चेंट बना सकते हैं। और दूसरा प्लान है फ्रेंड 17000 की, अगर आप 17000 से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो जो माइक्रो एटीएम होती है फिनो पेमेंट्स बैंक का, उसमें आपको 5 मिलेंगे, यानी कि 17000 में 5 डिवाइस आपको मिल जाएंगे, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी मिल जाएगा। अगर एक डिवाइस की नॉर्मली बात करें तो लगभग 2950 रुपये होती है, लगभग 3000 मान लीजिए, तो 5 डिवाइस आपको मिल रहा है यानी कि 5-15000 लगभग, तो इस तरह से आईडी के सिर्फ 2000 ही पड़े, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप 17000 से बनते हैं तो 5 डिवाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। और जब आप किसी को मर्चेंट बनाएंगे तो डिवाइस उनको आप सेल कर सकते हैं। डिवाइस की बात करें तो ये डिवाइस कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर कनेक्ट हो जाती है, दोनों पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर काम करते हैं तो आपको काफी अच्छी बेनिफिट अभी के डेट में हो जाएगा, क्योंकि अभी फिनो पेमेंट्स बैंक की काफी ज्यादा आईडी सेल हो रही है। फिनो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपनिंग की सर्विस मिलती है जिसकी वजह से काफी सारे लोग फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ना चाह रहे हैं, तो आपकी आईडी काफी अच्छी खासी सेल हो जाएगी, आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ये था एक छोटा सा प्लान, अगर आपको पसंद आई हो, फिनो पेमेंट्स बैंक से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।